अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास। एक्स प्लस टू वाई क्यूब इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई। ठीक है, इसमें देखें ये वाई में लीनियर नहीं है क्योंकि वाई की हायर डिग्री हमारे पास आ रही है 3। इसको अब चेक करेंगे हम, क्या ये कहीं एक्स में लीनियर तो नहीं, क्योंकि एक्स की हायर पावर जो आ रही है हमारे पास वो 1 है। तो इसके लिए मैंने सबसे पहले इक्वेशन को अरेंज किया डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई ओवर एक्स प्लस टू वाई क्यूब में। ठीक है, रेसिप्रोकल में चेंज किया, लोअर फंक्शन ऊपर चला गया और ऊपर वाला नीचे आ गया हमारे पास। इसके बाद फंक्शन को लेके मैंने सेपरेट किया, एक्स ओवर वाई प्लस टू वाई क्यूब ओवर वाई, तो वाई वाई से कैंसिल होकर टू वाई स्क्वायर आ गया हमारे पास। अब एक्स ओवर वाई को मैं लेफ्ट साइड पर लेकर आई तो ये मेरे पास इक्वेशन की फॉर्म जो है ये क्लियरली लीनियर इक्वेशन बन गई है विद डिपेंडेंट वेरिएबल एक्स में, विच इज़ लीनियर इन एक्स। सो अब इस इक्वेशन को हम इस तरह से भी अरेंज कर सकते हैं, एक्स प्राइम प्लस पी ऑफ वाई एक्स इज इक्वल टू क्यू ऑफ वाई, ये हमारे पास इक्वेशन बन गई। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंगली पी ऑफ वाई के लिए हमारे पास इक्वेशन बनेगी पी ऑफ वाई। पी ऑफ वाई आपके पास क्या आया, माइनस वन ओवर वाई। अब आपने यहाँ से आगे नेक्स्ट स्टेप्स जो है वो इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करना है माइनस वन ओवर वाई का, और सेम स्टेप्स जैसे क्वेश्चन नंबर 11 में हमने किया, माइनस वन ओवर वाई से मल्टीप्लाई करवा कर इसके इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करवा कर अपना क्वेश्चन कंप्लीट किया था हमने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 में देखें हमारे पास यहाँ पर जो राइट साइड पे फंक्शन है वाई स्क्वायर नेचुरल लॉग ऑफ एक्स, इसमें सबसे पहले हम इसी को सेपरेट करेंगे जो डी वाई बाई डी एक्स के साथ एक्स मल्टीप्लाई है, एक्स से डिवाइड किया तो हमारे पास ये फॉर्म बन गई, यानी राइट साइड पर एक्स भी है और वाई भी है। अब वाई की पावर आ रही है वाई स्क्वायर, लेफ्ट साइड वाले फंक्शन को हम देखें तो ये लीनियर आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू वाई वेरिएबल, लेकिन जो राइट साइड है उसमें एक्स फंक्शन भी है और वाई फंक्शन भी है। ठीक है, तो ये हमारे पास इक्वेशन बनती है बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसमें एक्स फंक्शन भी हो और वाई की कुछ पावर हो। वाई का फंक्शन नहीं होना चाहिए यहाँ पे, वाई की कुछ पावर होनी चाहिए। तो इसको हम इस तरह से भी चेंज करते हैं, वाई प्राइम प्लस पी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू क्यू ऑफ एक्स वाई की पावर एन हमारे पास है। ठीक है, अब वाई अगर हम इसी इक्वेशन को अपनी जो इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास बनी से कंपेयर करवाएं तो पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 ओवर एक्स और क्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू है नेचुरल लॉग ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एक्स और एन इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। अब इस तरह की बर्नौली इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आपने क्या करना है, क्यू ऑफ एक्स के साथ जो वाई की पावर होगी उसको आपने वहाँ से ख़त्म करना है। यानी अगर हम पूरी क्वेश्चन को वाई रिस पावर माइनस टू से मल्टीप्लाई करवा देंगे तो हमारे राइट साइड पे जो वाई स्क्वायर है वो ख़त्म हो जाएगा। तो ये वाई रिस पावर माइनस टू से फुल इक्वेशन को यहाँ से मल्टीप्लाई करवाया और ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 बन गई। ठीक है, अब इक्वेशन नंबर 2 को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमने उसको ऑर्गेनाइज़ किया, जो कंडीशन सॉल्व हो रही थी उन्हें सॉल्व किया। अब इक्वेशन है हमारे पास जो फ्रंट पे लिखी हुई है वाई रिस पावर माइनस टू डी वाई बाई डी एक्स, इस कंडीशन में आपने क्या करना है, पी ऑफ एक्स के साथ जो वाई रिस पावर लिखी होगी, जो भी वाई रिस पावर लिखी होगी, ठीक है, जैसे हमारे 1 ओवर एक्स के साथ वाई रिस पावर माइनस 1 लिखी हुई है, तो आपने क्या करना है इसको वी के इक्वल लेट कर लेना है। ठीक है, उसके बाद जो हमने लेट किया है उसके डेरिवेटिव्स ले लेने हैं, डी वी बाई डी एक्स आ जाएगा, इसी की कैलकुलेशन दोनों साइड पर डेरिवेटिव और इसी की कैलकुलेशन करने के बाद हमारे पास फंक्शन आ गया है माइनस डी वी ओवर डी एक्स इज इक्वल टू वायरस पावर माइनस टू डी वाई बाई डी एक्स। अब ये वैल्यूज हम ऊपर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास ये देखें ये इक्वेशन बन गई विच इज़ लीनियर इन वी एंड वी इज़ द डिपेंडेंट वेरिएबल ऑफ दिस इक्वेशन। राइट, अब माइनस से मल्टीप्लाई करवा दिया हमने फुल इक्वेशन को, इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट किया जो कि हमारे पास 1 ओवर एक्स आ गया, फुल इक्वेशन को 1 ओवर एक्स से मल्टीप्लाई करवा दिया, ये हमने अपने डी एक्स के साथ इन राइट साइड पे डी एक्स ले आए और डी वहीं पे रहा, इंटीग्रेटिंग दोनों साइड पे इंटीग्रेशन अप्लाई की, इंटीग्रेटिंग करने के बाद हमारे पास ये फैक्टर बन गया। अब ये देखें लेफ्ट साइड तो इजीली इंटीग्रेट हो गई लेकिन राइट साइड पे हम इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू सब्स्टिट्यूशन, वी की वैल्यू वापस वाई रिस पावर माइनस वन जो है वो हमने सब्स्टिट्यूट कर दी। अब
राइट साइड पे जो फंक्शन है उसे लेट किया, नेचुरल लॉग ऑफ एक्स इज इक्वल टू यू। कैलकुलेशन हमने की दोनों साइड पे, डेरिवेटिव्स डिफरेंशियल्स अप्लाई किए, और हमारे पास क्योंकि नेचुरल लॉग ऑफ एक्स है और एक्स है, दोनों साइड पे एक्सपोनेंशियल अप्लाई करने के बाद हमने एक्स की वैल्यू भी फाइंड आउट कर ली अपने क्वेश्चन से रिलेटेड, ताकि जो भी इंटीग्रल के अंदर रिजल्ट लिखा हुआ है हमारे पास उसकी वैल्यू अवेलेबल हो। तो ये हमने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई किया, और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से हमने इसकी इंटीग्रेशन फाइंड आउट की है। ठीक है, ये देखिए वैल्यूज सब्स्टिट्यूट की, u एक्सपोनेंशियल माइनस u बन गया, इसके बाद इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई किया हमने, और ये हमारे पास लास्ट पे जब आंसर कैलकुलेशन के बाद आ गया u एक्सपोनेंशियल माइनस u प्लस एक्सपोनेंशियल माइनस u प्लस c, तो u के वैल्यूज रिजल्ट्स वापस हमने x में सब्स्टिट्यूट कर दिए यहाँ पे, और लास्ट पे रिजल्ट्स पर सब्स्टिट्यूट करने के बाद LCM लिया। LCM लेने के बाद 1 ओवर x y इज़ इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस 1 प्लस c, x दोनों के नीचे से कैंसिल हो गया, और ये हमारे पास हमारा रिजल्ट आ गया। ठीक है,